बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू द न्यू सेशन। इन टुडे लेक्चर एंड प्रेजेंटेशन वी विल टॉक अबाउट द डिज़ाइन अप टू ए स्लैब। वी हैव सो मेनी मेथड्स फॉर डिज़ाइनिंग अप स्लैब्स। वन ऑफ देम इज मोमेंट कोफिशिएंट मेथड, विच इज़ वेरी कॉमन एंड मोस्टली इंजीनियर्स यूज दिस मेथड। इस इन मेथड में हम जो एक स्लैब को सॉल्व करेंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे, और ये बहुत इजी है। ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत कॉमन भी है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली जो है ना कैलकुलेशन में रिलायबल भी है। यू कैन से कि इसका जो रिज़ल्ट है कंपेरेटिवली 95% तक तकरीबन इसके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो ज़्यादा इंजीनियर इसको प्रेफर करते हैं इस कैलकुलेशन को। इसमें मोमेंट्स है, कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट की बेस पे टेबल्स डिवेलप किए गए हैं, और मुख्तलिफ केसेस इसमें है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूंगा एक टेबल की। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ वन ऑफ द टेबल। एक टेबल है, तो उसमें टेबल A1 है, उसमें केसेस है, ये 9 केसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 केसेस है। इसमें ये जो केसेस की जो डिफिनीशन है, इसको क्यों अलग अलग नाम दिया गया है? अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल सॉलिड है ऑल साइड पे, तो ये इसका मतलब है कि ये सॉलिड एक स्लैब है जो कंटिन्यूस नहीं है, एक स्लैब है बस, एक बिल्कुल इसके साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ये एक स्लैब है केस नंबर 2 में, जो चारों तरफ भी कंटिन्यूस है, इसमें कंटिन्यूटी है। इस स्लैब में दो साइड्स पे कंटिन्यूटी है, शॉर्ट साइड्स पे, और दो साइड्स पे ये बिल्कुल स्टॉप है, डिसकंटिन्यूट। केस नंबर 4 में एक शॉर्ट साइड कंटिन्यूस है, एक लॉन्गर साइड कंटिन्यूस है। केस नंबर 5 में दो लॉन्गर साइड्स कंटिन्यूस है और शॉर्टर ब्लॉक है, डेट है। केस नंबर 6 में 1 लॉन्गर साइड कंटिन्यूस है, इस तरह 7 में, 8 में, 9 में। तो इसी बेस पे हर केस के लिए जो कोफिशिएंट्स है, सपोज ये एक कोफिशिएंट है CA-, तो इसके लिए हर केस के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू है। सपोज़ इसमें, फॉर एग्जांपल, इसमें देखें तो ये शॉर्ट चारों साइड पे ये कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब है कि एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, तो इसमें नेगेटिव ज़ाहिर है 0-0 होगा। अब आइए हम अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि इसको हम डिज़ाइन कैसे करेंगे स्लैब को। एक स्लैब मैंने चूज़ की है, सपोज 20 feet by 14 feet। इसका लॉन्गर साइड की जो स्पेन है विच इज़ 20 feet, एंड द शॉर्टर वन इज़ 14 feet। सबसे पहले जो काम है, हमने इसमें इनपुट डेटा डालना है। इनपुट में हमारे पास पहले जो है वो लोड है। लोड दो किस्म का होता है, एक इस स्लैब के ऊपर इम्पोज लोड होता है, या तो वो सुपर डेड होता है, सुपर इम्पोज, या लाइव होता है। तो सपोज 0.02 किप है, ठीक है। सुपर इम्पोज लोड इसके ऊपर 40 किप है, 40 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट है, और लाइव लोड इसके ऊपर 40 है, चलो इसको 60 कर लेते हैं, या चलो 80 कर लेते हैं, 80 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। ये एज्यूम कर लेते हैं कि कॉलम की विड्थ कितनी है। इसमें चूंकि सपोर्ट जो है चारों साइड पे, सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके चारों साइड पे कॉलम्स हैं, और ये या बीम के ऊपर सपोर्ट होगा या कॉलम के ऊपर सपोर्ट होगा। तो अगर हम एज्यूम कर ले कि ये कॉलम के ऊपर सपोर्टेड है, कॉलम और बीम के ऊपर, तो हम सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि ये चारों साइड पे जो कॉलम की जो विड्थ है वो 12 फीट है। इसका कोई ज़्यादा उसमें रोल नहीं है कैलकुलेशन में, लेकिन कॉलम की विड्थ इसमें एक इनपुट डेटा है। लॉन्गर स्पेन हमारे पास है 20 feet, मैंने 20 feet यहाँ पर इंटर किया, और शॉर्टर स्पेन है हमारे पास 14 feet, ये 14 feet यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद बीम विड्थ, अगर नीचे इसके नीचे बीम्स हैं, ये चारों साइड पे बीम्स हैं, तो विड्थ मैंने एज्यूम किया 12 feet, ये कोई भी हो सकता है, 18, 12, 15, जितना भी हो। बीम हाइट कितना है, 24 feet सपोज़,
ये अटीन कर लेते हैं जितना भी है या फेल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। चूँकि इसके साथ स्लैब का कोई वो ताल्लुक नहीं है, ये स्लैब का एक सेपरेट सिस्टम है। ये जो एक प्रॉपर्टीज है ये बीम में इस्तेमाल होंगी, तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है। इसी फ्रेम जो कंक्रीट की कंप्रेसर स्ट्रेंथ है, वी एज्यूम के हमारे पास स्ट्रेंथ है 3000 PSI और 3 KSI। एफ वाई फ्राइम हमारे पास है सपोज ये स्ट्रेंथ है 40 KSI और 40 ग्रेड स्टील, इसको हम सपोज 60 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एंड फोर डेटा आ गया, ये हमें चाहिए स्लैब की डिज़ाइनिंग में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने पहले जो काम करना है, हमने कैलकुलेट करना है इस स्लैब की थिकनेस, कि हम इस स्लैब की थिकनेस मिनिमम कितना रखेंगे। डिज़ाइनर के लिए जो पहला काम होता है कि 4 इंच रखे, 5 इंच रखे, 6 इंच रखे, 8 इंच रखे, कैसे रखेंगे। ये एक क्राइटीरिया है थंब रूल वाला, कि पेरीमीटर बाई 180, पेरीमीटर इन इंचेस डिवाइड बाई 180, इस आपके पास एक वैल्यू आएगी। पेरीमीटर का मतलब है कि चारों साइड को जमा करके मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 180, आपके पास एक वैल्यू आएगी। सपोज़ आपके पास वैल्यू आ गई 4.53, ये एक वैल्यू है। तो एज्यूम स्लैब थिकनेस, लेट एज्यूम हमने एज्यूम किया 5 इंचेस, इसके लिए हमने 5 इंच एज्यूम किया। ये इस जहन में एक बात रखे कि स्लैब की थिकनेस के जो है ये डिटर्मिनेशन, ये सिर्फ पेरीमीटर के ऊपर नहीं हो सकती, इसके इसका ताल्लुक डिफ्लेक्शन के साथ है। अगर सपोज एक्सपेन बहुत ज़्यादा है और आपके पेरीमीटर में आपका वो कम आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन को चेक करना होगा कि डिफ्लेक्शन। लेकिन ये चूँकि एक सिंपल स्लैब है, इसके लिए हमें डिफ्लेक्शन अभी हमने चेक नहीं की, लेकिन हमने इस पेरीमीटर के ऊपर एज्यूम किया कि इसकी थिकनेस हमें 4.5 चाहिए, 4.5 इंच चाहिए, हमने एज्यूम किया 5 इंच। अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ्टी पे जाते हैं और आप कहते हैं कि मतलब इस ज़्यादा हो जो आप 5.5 इंच कर लें, 6 इंच कर लें, लेकिन सब उस समय हम इसको 5 इंच एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे 5 इंच स्लैब है, 14 फीट चूँकि वेट कम है तो हम इसको 5 इंच एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो सेल्फ वेट है ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा। सेल्फ वेट कैसे कैलकुलेट होगा, जो थिकनेस है स्लैब की डिवाइड बाई 12 इंटू यूनिट वेट जो है इस कंक्रीट का। यूनिट वेट चूँकि कंक्रीट का यूजुअली 150 pounds पर स्क्वायर फुट होता है, पर क्यूबिक फीट होता है, तो हमने इससे सेल्फ वेट निकाल लिया स्लैब का, कैसे पी इतना गया। फैक्टर लोड कितना होगा, फैक्टर लोड अगर ये अगर मैं इस फार्मूले के ऊपर क्लिक करूँ तो इस फार्मूले से ये यहाँ पे शो हो रहा है कि अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ, इसका मतलब है कि ये फैक्टर डेड लोड के साथ 1.4 फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है और लाइव लोड के साथ 1.6 लाइव फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये फैक्टर लोड हमारे पास आ गया 0.275 केसे, ये टोटल लोड आ गया लाइव प्लस डेड बट मल्टीप्लाइड विद फैक्टर्स, फॉर द डेड 1.2 एंड फॉर द लाइव 1.6। अच्छा, यहाँ तक तो ये आसान है, काम हो गया, इनपुट डेट आ गया और हमारे पास स्लैब की थिकनेस हमने एज्यूम की और सेल्फ वेट भी आ गया, फैक्टर लोड भी आ गया। नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन करनी है मोमेंट्स की। तो मोमेंट्स की कैलकुलेशन बहुत इजी है, बहुत आसान है, और उसके लिए फैक्टर्स हैं। हम इन टेबल से और डेटा उठाएंगे और वो यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पे मैंने बात की केस नंबर 4। केस नंबर 4 का मतलब है कि आपने टेबल में से कौन सा केस उठाना है। अगर आपका जो स्लैब है ये मैंने एज्यूम किया है कि ये हम इस स्लैब को डिज़ाइन कर रहे हैं, इस वाली स्लैब को, कि एक स्लैब कॉर्नर पे है और कॉर्नर के एक शॉर्ट साइड भी कंटिन्यूस है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर है सपोज, और उसमें एक लॉन्गर साइड भी कंटिन्यूस है, तो ये दो जो है ना ये डिसकंटिन्यूड है, डिसकंटिन्यूस और ये दो कंटिन्यूस है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये दो, जाहिर है इसके ऊपर मोमेंट्स नहीं होगी और इसके ऊपर मोमेंट्स होगी नेगेटिव, ठीक है,
सब ये बताना कि मतलब ये हम एक केस उठा रहे, केस नंबर फोर को हम उठा रहे हैं, ठीक है। तो अब केस नंबर फोर के मुताबिक हमारे पास कोएफिशिएंट्स है टेबल नंबर A1, इसके बाद टेबल नंबर A2, ये टेबल नंबर A2 है, इसके बाद टेबल नंबर A5, मैंने सीरीज में से कि क्या ताकि उसमें वो कन्फ्यूजन हो, A6, इसके बाद A3, इसके बाद है टेबल नंबर A4, और ये कुल टेबल हो गए छः टेबल हो गए कुल। जो A6 टेबल से अब हम CA-, जो चूँकि हमें ये CA चाहिए मोमेंट्स के लिए, पहले हम मोमेंट्स की बात करते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। मोमेंट टाइप्स हमारे पास होगी इसमें चार किस्म की मोमेंट्स होंगी इस स्लैब में। एक होगा नेगेटिव मोमेंट MA, में इसके लिए जो है CA नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई फैक्टर लोड मल्टीप्लाई बाई LA, तो LA स्क्वायर, ये एक है एक मोमेंट है नेगेटिव मोमेंट। अच्छा MA का मतलब है कि जो A डायरेक्शन है ये LA है, ठीक है, LA शॉर्ट डायरेक्शन, शॉर्ट डायरेक्शन के ऊपर जो नेगेटिव मोमेंट होगा वो हम इसको कहेंगे MA, ठीक है, ये शॉर्ट डायरेक्शन वाला MA नेगेटिव। और इसके ऊपर जो MB है ये B डायरेक्शन है, लॉन्गर डायरेक्शन को हम B कहेंगे, B, तो इसके ऊपर जो नेगेटिव मोमेंट है वो उसको हम MB कहेंगे। तो MB के MA के लिए फार्मूला ये है कि CA नेगेटिव, चूँकि ये A है तो यहाँ पे A आएगा, नेगेटिव चूँकि नेगेटिव मोमेंट है तो नेगेटिव फैक्टर उठाएंगे टेबल से, फैक्टर लोड लेंगे, और जो लॉन्गर डायरेक्शन है LA डायरेक्शन में, चूँकि A मोमेंट है तो लॉन्गर LA लेंगे, LA वाला जो शॉर्टर LA शॉर्ट साइड वाला जो मोमेंट लेंथ है उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास MA नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद MB मोमेंट है, तो MB में CB चूँकि ये B है तो CB नेगेटिव होगा, नेगेटिव मोमेंट है V, और LB स्क्वायर। इसके बाद MA पॉजिटिव डेड प्लस लायो, ये दूसरा तीसरी मोमेंट है पॉजिटिव के लिए, ये पॉजिटिव मोमेंट है और ये शॉर्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, ये शॉर्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव मोमेंट है, और लॉन्गर डायरेक्शन में हमारे पास जो MB है पॉजिटिव डेड लोड प्लस लाइव लोड की वजह से। तो ये दोनों इनके ये फार्मूले हैं, चूँकि इसमें एडिशन दोनों मोमेंट्स ऐड हुए हैं। अच्छा हमें इसके लिए चाहिए CA नेगेटिव CB नेगेटिव, CA नेगेटिव CB नेगेटिव, CA पॉजिटिव लायो लोड CB पॉजिटिव लायो लोड, CA पॉजिटिव लायो लोड और CB पॉजिटिव लायो लोड, इसके छह टेबल है चूँकि इसका अपना टेबल है। CA पॉजिटिव डेड लोड CB पॉजिटिव डेड लोड, तो इसमें CA पॉजिटिव लायो दो लाए हैं, CA CB लायो पॉजिटिव, और इसके बाद CA पॉजिटिव डेड CB पॉजिटिव डेड लोड। तो ये छह फैक्टर्स हैं, इसको हम कहाँ से उठाएंगे, सपोज CA नेगेटिव में मालूम करना चाहता हूँ, तो CA नेगेटिव CA टेबल नंबर जो टेबल नंबर A1 है इसमें जाकर इधर से हम उठाएंगे C4, ठीक है। हमारे पास जो M है, M यहाँ पे एक वैल्यू है M, ठीक है, यहाँ उठाने का तरीका यह है कि पहले हम M मालूम करेंगे। M का मतलब है कि शॉर्टर डायरेक्शन डिवाइड बाई लॉन्गर डायरेक्शन, इससे आपके पास एक वैल्यू आएगी, एक फैक्टर आएगा परसेंटेज में या इसमें पॉइंट्स में, तो ये 0.70 हमारे पास है 0.70, तो यहाँ M हम देखेंगे 0.70 यहाँ है 0.70, तो 0.0
आगे जाकर केस नंबर फोर में जाएंगे, केस नंबर फोर ये है, तो हमारे पास ये 0.0.0.81, तो इसको हम चेंज करेंगे 0.81, हमारे पास ये आ गया सी ए नेगेटिव। इसके बाद सी बी नेगेटिव, सी बी नेगेटिव ये है, सी बी नेगेटिव ये देख लें, ए टू टेबल है, सी बी नेगेटिव, तो इसमें हम एम हमारे पास 7.7 है, 7 में जाकर ये 0.4 ये यहाँ पे, ठीक है, ये मैं सपोज मैं इसको वो कर लेता हूँ इन सर्कल, ताकि फिर आसानी उसमें हो शेप्स में जाकर। सपोज ये हमारे पास आ गया 0.0091। इसके बाद जो वैल्यू है, अच्छा इसके बाद जो फैक्टर्स है वो है सी ए पॉजिटिव लाइव लोड, सी ए पॉजिटिव लाइव लोड, तो यहाँ पे देखने सी बी नेगेटिव आ गया, इसके बाद जो है सी ए पॉजिटिव, सी ए पॉजिटिव लाइव लोड, सी ए एल एल, सी ए पॉजिटिव लाइव लोड, तो ये लिखा है लाइव लोड पॉजिटिव मोमेंट्स इन स्लेब अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन, तो शॉर्टर डायरेक्शन में पॉजिटिव मोमेंट्स, ये चूंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, शॉर्टर डायरेक्शन है तो इसमें ज़्यादा लोड चूंकि ये लेगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो 70 के सामने जाकर फोर में देखें यह आ गया 0.0057, इसमें ये पहला आ गया था 9.0919 था, ठीक है, और इसमें दूसरे में क्या है 0.0557, ये एल्यू के सी ए पॉजिटिव लाइव लोड। इसके बाद सी बी पॉजिटिव लाइव लोड, सी बी पॉजिटिव लाइव लोड, ये टेबल में सी बी या गया सी बी, सी बी पॉजिटिव लाइव लोड, सी बी पॉजिटिव लाइव लोड 70 में जाकर यहाँ पर आ जाए फोर में 0.0014, ठीक है, सी ए पॉजिटिव डेड लोड, आखिर में दोनों डेड लोड हैं, ये मैंने इस टेबल सीक्वेंस में रखे हैं डेड लोड, सी बी सी ए पॉजिटिव सी ए ये सी ए डेड लोड, सी ए डेड लोड 70 के सामने नंबर फोर केस में जाकर देख ली 0.046 आ गया 0.046 आ गया सी ए पॉजिटिव डेड लोड। आखिर में सी बी पॉजिटिव डेड लोड, डेड का जो सी बी होगा पॉजिटिव लोड का, सी बी पॉजिटिव डेड लोड आखिर में जो टेबल है आखिरी वाला टेबल, सी बी पॉजिटिव यहाँ लिखा पॉजिटिव, ठीक है, सी बी पॉजिटिव डेड लोड 70 में के सामने जाकर फोर में 0.011, तो ये चेंज करेंगे 0.011, हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए सारे, ये फैक्टर केस नंबर फोर के लिए हमारे पास आ गए। अगर स्लेब हमारे पास है 20x14 और हम केस नंबर फोर के अज्यूम कर रहे हैं, ये जहन में रखे कि अगर हर स्लेब की अपनी अपनी फैक्टर्स है, अगर आपका स्लेब कंटिन्यूस है चारों साइड पे तो उसके फैक्टर्स अलग आएंगे, अगर आपका स्लेब एक लॉन्गर में और एक शॉर्टर में कंटिन्यूस है तो इसके फैक्टर्स ये आएंगे केस नंबर फोर के लिए, ठीक है। अब हम हमारे पास मोमेंट्स क्या फार्मूला है, ये मैंने वैल्यू इंटर किए राउंड, तो ये यहाँ पे इसने यहाँ ये वैल्यू उठा ली है, सी ए नेगेटिव उठाया, ठीक है, और इसने यहाँ से जो इनकी जो लेंथ है शॉर्टर साइड ये स्पेन उठाया 14, ठीक है, और इसके बाद इसने फैक्टर लोड उठाया, इसका स्क्वायर लिया है,
ठीक है, तो ये जी 15 17 सी 9 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 4.37 मोमेंट किप फीट में। अगर इसको हम इंचेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमारे पास 52.44 किप इंचेस हमारे पास मोमेंट आ गया। अब हमारे पास कन्वेंशनल मोमेंट ये एरिया मालूम करने का एक तरीका है, हम ए एज्यूम कर लेते हैं, इसके बाद इससे हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, ये मोमेंट का जो तरीक़ेकार है जो मालूम करने का ए मालूम करने का कि अगर हमारे आपके पास मोमेंट हो और तो आप उससे आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रायल बेस पे मैंने ये 0.27 आ गया है और इसके बाद दोबारा ए मालूम करें, ये तो ए हमने एज्यूम किया, इसके बाद दोबारा ए मालूम किया ट्रायल बेस पे, तो आखिर हमारे पास जो वैल्यू आ गई तो एरिया की वो 0.26 है। इसका मतलब है कि 0.27 और 0.26 में इतना फ़र्क नहीं है, तो दूसरी ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, बस दो ट्रायल से तकरीबन काम हो जाता है। तीसरा ट्रायल भी हम कर सकते हैं अगर मतलब कोई ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी सेकंड वेल्स में आ जाती है। 0.26 इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद जो ये जो मोमेंट है, ये नेगेटिव मोमेंट है शॉर्ट डायरेक्शन में, ठीक है, इसकी इतनी वैल्यू आ रही है। जो लॉन्गर डायरेक्शन है इसकी जो नेगेटिव मोमेंट है इसकी वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, ये इस इतना 0.27, 0.13 और 0.12 इस तरह जो मोमेंट है दोनों लोड्स लाइव और डेड लोड दोनों की वजह से जो मोमेंट आएगा पॉजिटिव, तो ये शॉर्टर डायरेक्शन में जो मोमेंट आएगा, चूँकि हम शॉर्टर डायरेक्शन में हमें ज़्यादा स्टील जो चाहिए कि उसकी मोमेंट क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी, तो शॉर्टर डायरेक्शन का जो पॉजिटिव मोमेंट है वो इतना आएगा 2.76, और इसकी जो वैल्यू है एरिया की इतनी आएगी। और इसके बाद जो शॉर्ट लॉन्गर डायरेक्शन में पॉजिटिव मोमेंट है डेड लोड और लाइव लोड की वजह से एम बी वो है 1.36। तो ये इसने यहाँ से फैक्टर उठाए हैं, ये फैक्टर कनेक्टेड है सारे ऑलरेडी इसने यहाँ से उठाए हैं, तो ये 0.08 आ गया। अब हम बार डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, हमारे पास मोमेंट्स आ गए, मोमेंट से हमारे पास एरिया आ गया, पहले आप मोमेंट मालूम करेंगे, मोमेंट से आपके पास एरिया आ जाएगा, एरिया से फिर हम निकालेंगे कि हम स्पेसिंग क्या देंगे स्लैब में। ठीक है, हमारे पास स्लैब है तो ये हमारे पास एंड कॉर्नर स्पैन रिइंफोर्समेंट डिटेल केस नंबर 4 हम एज्यूम कर लेते हैं, व्हेन वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर साइड आर कंटिन्यूस, ये मैंने लिखा हुआ है केस नंबर 4 है। इसके लिए हम करते हैं कि हम अगर नंबर 3 बार यूज़ करें तो केस स्पेसिंग कितनी होगी, अगर हम नंबर 4 यूज़ करें तो स्पेसिंग कितनी होगी, अगर हम नंबर 5 बार यूज़ करें तो स्पेसिंग कितनी होगी। ये सिंपल है, हमारे पास 2A स्लैब में मैक्सिमम जो स्पेसिंग है वो 2H है, एच का मतलब है डेप्थ। अगर हमने ए डेप्थ एज्यूम की है, थिकनेस एज्यूम की है 5 इंच, तो हम 10 इंच से ज़्यादा फासला नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि हम अगर नंबर 6 बार भी यूज़ करें तो हम उसमें 10 इंच से ज़्यादा फासला वो नहीं कर सकते, स्पेसिंग नहीं बढ़ा सकते, ये एज पर कोड लिमिटेशंस है। तो मतलब अच्छी बात ये कि हम स्मॉलर डाया वाले बार यूज़ करें, ताकि वैसे भी हमारे पास स्पेसिंग की रिस्ट्रिक्शन है, तो हम नंबर 3 बार पे जाएंगे उसको यूज़ करेंगे या नंबर 4 को यूज़ करेंगे, नंबर 5 या 6 बार हम अवॉइड करेंगे। मैंने ऐसे एहतियातन नंबर 6 बार की स्पेसिंग बताई कि ये सारा 10 आ रहा है, इसका मतलब है ये मैक्सिमम है, असल में ये नंबर 5 जो है ना ये 10 नहीं आ रहा, लेकिन ये इसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मैक्सिमम स्पेसिंग हमारे पास 10 इंचेस है, तो हमारे पास ये देखो ये सारे 10 आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि मैक्सिमम इसमें जो है मिनिमम स्टील काम कर रहे हैं, मिनिमम स्टील। ठीक है, लेट कैलकुलेटेड हमारे पास एरिया है जो है ना, ये 0.26 मैंने कहाँ से उठाए, 0.26 मैंने इधर से उठाए, हमारे पास ये 0.26 एरिया आ गया, ये 0.26 यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हमें नंबर 3 बार एज्यूम करूँ, नंबर 3 का एरिया हमारे पास है 0.11 स्क्वायर इंचेस, तो हमारे पास नेगेटिव मोमेंट में अगर नंबर 3 बार यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमारे पास 5 इंच स्पेसिंग इट्स ओके फाइन। इसका मतलब है कि
एक्चुअल हमारे पास जो स्पेसिंग रिक्वायर्ड है वो 5 इंच है नेगेटिव मोमेंट के लिए। नेगेटिव मीन सपोर्ट के ऊपर, जो शॉर्टर डायरेक्शन है ये शॉर्टर डायरेक्शन इसमें ये वाला, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है कंटिन्यूस, जो जो साइड कंटिन्यूस है हमारे पास वहाँ पे स्पेसिंग है, हम 5 इंच स्पेसिंग देंगे, ठीक है। और अगर हम नंबर 4 बार यूज़ करिए तो हमारे पास स्पेसिंग 9 इंच आएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास 9 इंच भी काम कर जाएगी अगर हम नंबर 4 बार यूज़ करें, ठीक है। ये ऑप्शन है डिज़ाइनर के ऊपर कि वो कौन सा बार रिकमेंड करती है। इसके बाद जो नेगेटिव लॉन्गर डायरेक्शन में जो नेगेटिव मोमेंट है हमारे पास इतना आ रहा है 0.12, तो इसकी जो स्पेसिंग है हमारे पास आएगी 10 इंचेस अगर हम नंबर 3 बार यूज़ करें। ये इस सेटिंग आया कि या तो हम मैक्सिमम स्पेसिंग इस्तेमाल करेंगे या मिनिमम, तो हाँ चूँकि मिनिमम काम करता है तो इसका मतलब है कि हम वो करेंगे मैक्सिमम 10 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव मोमेंट में हमारे पास पॉजिटिव मोमेंट के लिए हमारे पास आ रहे 8 इंचेस। इसलिए अक्सर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये स्लेब सही डिज़ाइन हो और इसकी कैलकुलेशन हो तो हमारे पास स्टील बहुत कम आता है। ये तो एहतियातन डिज़ाइनर अगर 10 इंच आता है तो वो एहतियातन चलो 8 इंच डालो 7 इंच डालो, लेकिन अक्सर लोग बहुत ज़्यादा स्टील लाते हैं नंबर फोर बार एट रेट ऑफ चेंज, ये एक तम रूल है, हर जगह ये लोग डालते हैं। तो स्टील के अगर एक्चुअल कैलकुलेशन को देखा जाए तो इसमें स्टील की वैल्यू बहुत कम आ रही है। तो इसमें ये चूंकि 5 इंच स्लैब है, अगर ये चेंज का स्लैब हो जाए उसको भी हम अभी देखेंगे कि इसका कितना इम्पेक्ट पड़ता है, लेकिन चलो ये हमने एज्यूम किया है कि 5 इंच स्लैब, तो इसमें पॉजिटिव का अरे 8 इंच का अगर नंबर 3 बार हो और इसका 10 इंच आ रहा है अगर उसमें हो ये दूसरी डायरेक्शन में लॉन्गर डायरेक्शन में पॉजिटिव मोमेंट जो रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि नंबर 4 अगर हम यूज़ करें तो ये स्पेसिंग इतनी आ रही है, ठीक। पहले हम एहतियातन नंबर 4 बार यूज़ करते हैं और 9 इंच या 8 इंच उसमें डालते हैं, तो ये एक्चुअल कैलकुलेशन के ऊपर बेस है। अच्छा, मिनिमम जो है ना, ये एक रिस्ट्रिक्शन है कोर्ट की तरफ से कि अगर आपके पास एरिया बहुत ज़्यादा कम आ जाए, जैसे मैं आपको बताऊंगा ये एरिया आ रहे 0.08, तो एक रिस्ट्रिक्शन है कोर्ट की तरफ से कि आपने मिनिमम इतना एरिया डालना है 0.01, 0.012, ठीक है। ये 0.012 की तरफ से आएगी, ये मिनिमम रिस्ट्रिक्शन है एरिया की 40 और 50 ग्रेड स्टील के लिए, ठीक है। एक मिनट में आपको थोड़ा सा इसकी वजाहत करूं कि ये अगर हम इसका ग्रेड चेंज करें तो फिर क्या होगा। यहाँ पे लिखा है कि 0.002 × 12 × स्लेब की जो डेप्थ है C15 मीन स्लेब थिकनेस, ये BH, ठीक है, 0.002 × BH, तो इससे इतनी ये इसका एरिया इतना आ रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम जहाँ पे एरिया कम आ रहा है तो आप मिनिमम अलाउ करेंगे, तो यहाँ पे 0.012 उठाया इसने 0.0 एज इट इज़ उठाया, लेकिन यहाँ पे उसने 0.12 जो उठाया है ये मिनिमम उठाया है, क्योंकि ये इधर 0.08 है, तो यहाँ पे 0.12 मिनिमम आपने मिनिमम देना है। ऐसे अगर आप इधर अगर सपोज मैं इधर ये डालूँ 0.08 इधर डालूँ फिर क्या होगा, फिर भी वही स्पेसिंग आएगी, स्पेसिंग क्योंकि वही चेंज है। असल में ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे एक फार्मूला में हम फीडिंग की हुई है कि अगर मिनिमम वो ना हो तो आपने फिर मैक्सिमम स्पेसिंग अलाउ नहीं कर, एक्सीड नहीं करते। मैक्सिमम स्पेसिंग हमारे पास है 2 इंच 10 इंचेस। अब हम देखते हैं कि अगर हम थिकनेस बढ़ाते हैं, सपोज मैं इस थिकनेस को बढ़ाता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैंने चेंज किया, ऑटोमेटिकली चेंज से क्या होगा कि डेड लोड सेल्फ वेट बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है कि फैक्टर लोड बढ़ जाएगा और वहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली उसकी स्पेसिंग चेंज होगी, मोमेंट वो होगा चेंज होगा। तो ये जो थिकनेस है इसने
और कुछ काम नहीं किया, लेकिन इसने डिफ्लिक्शन को कंट्रोल किया है हमारे लिए। बाकी ये एक इस आप इसमें कि इसमें आप सेल्फ फेयर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप भी हम देख रहे हैं इनसे इसका इम्पेक्ट कितना आएगा। देखो 0.21, 0.1, ये पहले 0.2 था, अब ये 1.1 आ गया। ये 0.08 था, ये 0.26 आ गया, मतलब ये कम हो गया मोमेंट। अभी इसका जो एरिया है वो कम आ रहा है, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया। ये 0.16 से 0.13 आ गया, ठीक है। चूँकि इसमें जो मोमेंट कंट्रोल में इसका एक रोल है, थिकनेस हमने बढ़ा दी तो हमारे पास एरिया कम आ गया, ठीक है। एरिया जब कम आ गया तो हमारे पास अभी स्पेसिंग चेंज होगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पहले ये 9, 10, 10, 10, 10 था, अब ये 6, 9, 9, 9 हो गया चेंज स्लेब के लिए, ठीक है। तो हमारे पास सेल फेट चूँकि बढ़ गया है, तो इस वजह से हमारे पास स्पेसिंग की वो हो गई, चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये 12 आ गया, ये पहले 10 था, अभी 12 आ गया। 12 का मतलब है कि 2H, इसने अभी 2H का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाई थिकनेस, तो अभी चेंज हो गया टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 12। सो इट मीन दैट कि अगर हम स्लेब की थिकनेस बढ़ा दें तो हमारे पास अगर एक जगह एरिया कम हो जाएगा तो स्पेसिंग तो वो होगी, लेकिन मैक्सिमम हमारी एक प्रोविजन है कि मैक्सिमम हम उसको एक्सीड कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें नंबर 5 बार डालें तो 12 इंच, नंबर 4 तो ये 12, इसका मतलब है कि अगर 6 इंच हम एज्यूम कर लें तो ये 12 इंच में भी काम करेगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा, इससे डिज़ाइनर एहतियातन 9 इंच या 8 इंच या 10 इंच उसमें वो देते हैं। अगर नंबर 3 बार यूज़ करें तो इसमें ही आराम से 9 इंच काम कर जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसमें स्ट्रेंथ को चेंज करें, सपोज़ मैं इसको स्ट्रेंथ को मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है, इसका भी इम्पेक्ट है। इसको मैं 40 करता हूँ, सपोज़ अगर आपका स्टील 40 है और आपका स्ट्रेंथ 2000 PSI है, लेट एज्यूम एज पर प्रैक्टिकल हमारे पास फील्ड में इतना होता है, तो फिर क्या होगा, ये इसका इम्पेक्ट देखते हैं कि क्या होगा इसका इम्पेक्ट। देखो अभी ये आ गया 4 इंच पे, ठीक है, चूँकि स्ट्रेंथ स्टील की कम हो गई तो ये 9 इंच से 6 इंच से 4 पे आ गया, ये 7 पे आ गया, 9 इंच से 7 पे आ गया, ये 9 ही नहीं है, ये 7, तो ये बाकी तो चेंज क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्पेसिंग वो है, तो इसमें इसकी इसका इम्पेक्ट है ग्रेड का, कंक्रीट स्ट्रेंथ का, एफ सी फ्रेम का भी रोल है और एफ वाई का भी रोल है। अगर हम 60 ग्रेड यूज़ करें तो इससे स्पेसिंग हमारे पास कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर हम वेट को चेंज कर ले, हमारे पास वेट है, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं 3 कर लेता हूँ दोबारा, और इसको मैं 60 करता हूँ दोबारा, हमारे पास यहाँ पर है सपोज 6999, ठीक है, नंबर 3 पास के साथ। अब अगर मैं इसको लोड को मैं कम करता हूँ, इसको मैं सपोज करता हूँ 60 pounds, इसको मैं करता हूँ 30, इसको मैं करता हूँ 0, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिर्फ सुपर इम्पोज लोड है 30 pounds पर स्क्वायर फीट और ये लाइव लोड है 60 pounds पर स्क्वायर फीट, इसके बाद हम इम्पैक्ट देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा। ऑब्वियसली इसका मोमेंट कम आएगा, मोमेंट जब कम आएगा तो इसकी स्पेसिंग, अब देखो ये 6 से 8 तक पहुंच गया और ये 9 ही है, ठीक है। 9 का मतलब है कि ये अभी ये इसको फॉलो कर रहे मिनिमम को, तो 0.14 ये हमारे पास मिनिमम स्टील ये काम कर जाएगा। 0.14 देखो ये तीनों मोमेंट्स मिनिमम पे काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर लोड नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा हैवी लोड ना हो और हमारे पास स्ट्रेंथ भी इसमें इशू ना हो, मतलब क्वालिटी कंट्रोल हो, तो अगर हमारे पास मिनिमम एरिया उसमें स्लेब में काम कर जाता है, ठीक है। अब देखो ये सारा मैक्सिमम भी 2H पे मैक्सिमम पे जाना वो काम कर जाता है, और इसमें मिनिमम नंबर 3 में
नाइन इंच मैक्सिमम नंबर अगर हम स्नैप की थिकनेस चेंज हो। तो ये एक है, एक ट्रायल बेस है। अगर किसी को ये शीट चाहिए तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स अवेलेबल। आई विल पुट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एंड एवरीवन कैन वॉच दिस। जो मोमेंट जो ये तरीका है, दिस मेथड, मोमेंट कोएफिशिएंट मेथड, इट्स वेरी फेमस एंड वेरी यूजफुल। एंड यूजुअली वी यूज दिस वन फॉर टू वे स्लैब डिज़ाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड stay with us, inshallah. I will put some more informative videos because some people ask me that how I can do this. After this, we will design some beams, some one-way slabs. So this is not too much difficult, very, very easy. Just we have to do practice and produce your own spreadsheets, do work in the Excel. It's very easy. You can once you make an Excel spreadsheet, so it will be easy for you for the whole life. That every when you have some project, so it's easy. That suppose if you want to change this span, if you want to span this span of 16 feet, so now what you will have this M factor will be changed. Okay, when this M factor is changed, just note that now you have to play with this M. Okay, now you will use this one 0.88. This is actually there's no 0.88. We have to make interpolation, or we can use for safety 0.9. Okay, this is near to 9. So instead of interpolation, just use this 9. This is a very small difference in the wave factor. Take the factors of 90. I will make it as round 20. So, sorry, I write it wrong. This is 2. So this is near to 90. So now the case will be different. These will be different. These factors coefficient are very important. So you can take आप इसको यहाँ से ले सकते हैं. You can take these factors from this table. Go to this m. M is the first one line. M is here 0.9. Go to the suppose case number 4 is here. 0.9, so 0.061. Now 0.081 will be replaced with 0.060. Okay. Similarly, 0.019 will be changed with the other one. This is 90, so 0.0040. So similarly, this is just simple and do practice. This is very simple and you will learn. Okay, next time we will make another slab design. So thank you so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.